हरिओम, आज 24 अगस्त दिन मंगलवार, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन है आपको मेरे कार्यक्रम दिव्यवाणी में, जहाँ हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं आज के राशिफल। 12 राशि की चर्चा होगी कि आज का दिन कैसा रहेगा, आपके भाग्य की सोई क्या इंगित करती है आपको। साथ ही साथ हम पंचांग की भी चर्चा करने वाले हैं, किस मुहूर्त में कौन से कार्य करने चाहिए, किस मुहूर्त में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ आज जिनका जन्म दिवस है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है, उन्हें बहुत शुभ मंगल कामना। आप अपने जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाएं, माता रानी की कृपा बनी रहे। YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कृपया कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको निरंतर और निर्बाध रूप से मिलती रहे, आप इसका आनंद उठाएं, लाभ उठाएं, प्रियजनों को शेयर भी करते रहें, उन्हें भी इसका लाभ। आइए 24 अगस्त मंगलवार पंचांग हो, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, भादो महीना चल रहा है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, और द्वितीय तिथि के साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि द्वितीय तिथि 4:05 तक संध्या रहेगा, इसके उपरांत तृतीय तिथि लग जाएगी। पूर्वाभाद्र नक्षत्र है जो कि रात्रि 9:05 तक रहेगा, तदुपरांत उत्तराभाद्र नक्षत्र लग जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में ही संचरण कर रहे हैं और त्रिपुष्कर योग आज की महत्ता बढ़ा रहे हैं, यानी त्रिपुष्कर योग के कारण आज का दिन और भी ज्यादा शुभ हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त, इसकी चर्चा मैं बहुत विशेष रूप से प्रतिदिन करता हूँ, कि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया गया कोई भी शुभ कार्य या चिरकाल तक शुभ और मधुर फल देने वाला होता है, जो कि आज 11:57 से 12:49 के मध्य रहेगा। ठीक इसके विपरीत राहु काल की भी चर्चा करूं, 1.5 घंटे का कालखंड हमें प्रतिदिन मिलता है, तो किसी 1.5 घंटे का इसके मध्य में किया गया कोई भी शुभ कार्य यात्रा का प्रारंभ करना यह शुभ फलदायी नहीं होता है, इसे निषेध रखना चाहिए। आज आपको पूर्व और अग्नि दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, संभव हो तो टाल दें। यदि टालने योग्य यात्रा नहीं है, अति आवश्यक है जाना, तो आपके रसोई में गुड़ है, थोड़ी सी गुड़ की एक टुकड़ा ग्रहण कर ले और हनुमान जी महाराज के पद चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी यात्रा का प्रारंभ करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आइए चर्चा करता हूँ राशिफल की। राशिफल में सर्वप्रथम मेष राशि की चर्चा करते हुए ये बताऊं कि कुछ नई बड़ी योजना बनेगी और वो सफलीभूत भी होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, तो नई योजना भी बनेगी, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला दिख रहा है और साथ ही साथ वो सफल भी होगा। जबकि वृषभ राशि वाले को बताऊं कि कर्म क्षेत्र, जो भी आपके कर्म क्षेत्र हैं, आप बिल्डर हैं, पत्रकार हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, व्यवसायी हैं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के लाभ होने के, प्राप्त होने के दिखाई पड़ रहे हैं। मिथुन राशि की चर्चा करूँ तो बताना चाहूँ कि आध्यात्मिक उन्नति के अच्छे अवसर हैं, लग जाए तन मन से लग जाए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति यदि होती है वही मोक्ष का द्वार आपको प्रशस्त करता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी तपश्चर्या में लगे हुए हैं, आप भी लगे रहें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और यदि आप दीक्षित हैं कहीं से तो गुरु महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए आज आपको सारे उस पर डिवोशन अपने समर्पण भाव से करें, उन्नति करने वाले हैं। कर्क राशि की चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि प्राण शक्ति का संचार होगा आपके अंदर में, पॉजिटिविटी आपके अंदर में, आयुष्य वृद्धि का संचार होना है, इसे भी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, आज आपको भगवान की कृपा से प्राप्त होना है। सिंह राशि की चर्चा करो तो बता दूं कि जीवन साथी के परामर्श लाभप्रद सिद्ध होंगे, आपके लाइफ पार्टनर जो उपाय या जो कुछ सुझाव सुझाया है उसे अवश्य पालन करनी चाहिए, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। कन्या राशि वालों को मैं बता दूं कि फंसे हुए रकम वापस मिल जाने के योग बन रहे हैं, कुछ पैसे कभी किसी को दे रखा था, संभवतः आपने सहयोग ही किया था उनके लिए, किंतु कारण कुछ भी हो वो पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा था,
जो आज आपको योग सारे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तुला राशि की भी चर्चा करूंगा तो मैं बोल दूं कि अध्ययन के क्षेत्र में विशेष लाभ होगा, विशेषकर वैसे जातक जो अध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए, अध्यापन के क्षेत्र में लगे हैं, उन्हें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा आपके अध्ययन के क्षेत्र में। वृश्चिक राशि वालों को बताऊं कि वाहन संबंधी किसी प्रकार के सुख प्राप्त होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, यानी वाहन सुख है। और धनु राशि वालों को बताऊं कि भाइयों के सहयोग से कार्य सिद्ध होंगे। जो भी कार्य योजना आपने बनाई है अपने भाइयों के साथ थोड़ी वार्तालाप करें, साथ में थोड़ी सहयोग ले लें, कार्य बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे। मकर राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आकस्मिक रूप से अचानक से कोई बड़ा धन आने वाला है, स्वागत करें, ये लक्ष्मी की कृपा है। तो जो भी धन आ रहे हैं और आकस्मिक आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस रकम को कहीं ना कहीं भविष्य के लिए संचित करके रखना चाहिए। कुंभ राशि की बात बताओ, दिन आनंदित एवं लाभ के साथ, सारा दिन आनंद के साथ व्यतीत होगा। मन में चैतन्यता का भाव, आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव और सारे कार्य जो भी है सारे कार्य संपादित होने वाले हैं। बस एकदम राजभोग की तरह आज का दिन व्यतीत होगा। अंतिम राशि मीन राशि की भी चर्चा करूं तो मीन राशि के लिए बताना चाहूंगा कि सुखद एवं लाभप्रद दूर की यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा होगा, यात्रा में आनंद आएगा, सारे कार्य भी बनेंगे, यात्रा भी सुखद होगी, आनंद ही आनंद। तो यात्रा की अपनी अपनी तैयारी कर लें, सुखद यात्रा के योग बन रहे हैं, उसके परिणाम भी सकारात्मक मिलने वाले हैं। बारह राशि की भी चर्चा हो गई, पंचांग की चर्चा हो गई और कल पुनः फिर कल की राशि यानी कल का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ कोई अन्य वीडियो भी हो सकते हैं आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना भूले आप, लाइक भी करें, शेयर करते रहें। तो लेता हूँ विदा, कल पुनः मुलाकात होती है, तब तक आप सकारात्मक रहें, ऊर्जान्वित रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम तत्सत। ओम शांति।